अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास, दिस इज़ योर कंप्यूटर साइंस लेक्चर नंबर 13, चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम एंड डिवाइसेस। इसके आज हम 2 वर्कशीट्स करेंगे, वर्कशीट नंबर 1 एंड 2। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कंप्यूटर साइंस वर्कशीट नंबर 1, राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ MDR, MAR, RAM एंड ROM। आप अपने बुक का चैप्टर नंबर 1 ओपन कीजिए, वहाँ पर इसकी डेफिनेशंस दी गई हैं, ये आपने खुद राइट डाउन करनी है। ओके, अनजम्बल द लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स। ये देखें, इतने इजी वर्ड हैं कि विद इन 1 और 2 सेकेंड्स आप इसको अनजम्बल कर सकते हैं। वर्कशीट 1 आपने खुद अपनी नोटबुक पर सॉल्व करनी है, इसके आंसर्स आपने खुद फाइंड आउट करने हैं। चैप्टर नंबर 1 में ये मैंने आपको करवाए भी हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में। वर्कशीट नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, डिफरेंशिएट बिटवीन मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर एंड मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ माइक्रोफोन, डिस्क्राइब द 2 टाइप्स ऑफ स्मार्ट कार्ड रीडर। ये 3 क्वेश्चन हम करेंगे, 4th हम नहीं करेंगे, बिकॉज 4th क्वेश्चन जो है ये चैप्टर नंबर 2 में से है, जो कि हमने पहले रीड आउट नहीं किया हुआ, दैट्स वाई इसको हम कट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट, आंसर ऑफ वर्कशीट नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन द मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर एंड मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। ठीक है, इसमें इंक करेक्टर रीडर और इंक स्ट्रिप रीडर में हमने डिफरेंस बताना है। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर कैन रीड द ह्यूमन रीडेबल करेक्टर्स विच आर प्रिंटेड विद आयरन ऑक्साइड लाइक चेक। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर जो होता है वो रीडर होता है जो कि हम भी उस राइटिंग को रीड आउट कर सकते हैं, जो कि हमारे ये आयरन ऑक्साइड से लिखी गई राइटिंग होती है जिसको ये रीड आउट करता है, जिसकी एक एग्जांपल है चेक। वाइल मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर इज़ कैपेबल ऑफ रीडिंग द इंफॉर्मेशन इन अ मैग्नेटिक स्ट्रिप ऑन अ कार्ड लाइक ATM और डेबिट कार्ड। लेकिन मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर एक डिवाइस जो है उसमें हम कार्ड डालते हैं और उसको जो है उसमें मूव करते हैं, तो क्या होता है उसके ऊपर जो एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप बनी होती है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उसको स्कैन कर लेता है, उसको रीड आउट कर लेता है, उसके अंदर जो वो स्ट्रिप के अंदर इंस्ट्रक्शंस या इन्फॉर्मेशन होती है वो हम रीड नहीं कर सकते क्योंकि वो स्ट्रिप के अंदर होती है, ब्लैक स्ट्रिप के अंदर। ओके, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ माइक्रोफोन, माइक्रोफोन के फीचर्स बताएं। माइक्रोफोन इज़ यूज टू कन्वर्ट ह्यूमन स्पीच इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये क्या है, हम जो स्पीच करते हैं, जैसा ये मैं बोल रही हूँ, अगर ये मैं माइक्रोफोन में रिकॉर्ड करूँगी तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में इसको कन्वर्ट करके सेव करते हैं। और बाद में जब डिफरेंट स्पीचेस होंगी कोई कब रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये वाली वॉइस किसकी है और वो उसी वॉइस से रेलिवेंट जो सिग्नल्स वो स्पीच होती है आपको फाइंड आउट कर देता है। दे आर यूज इन मैनी एप्लीकेशन सच एज टेलीफोन्स एक्सेट्रा, ये और उसके अलावा रिकॉर्डर्स, टेप रिकॉर्डर्स में वो मोशन पिक्चर्स प्रोडक्शन जो होती है जिसमें पिक्चर्स मूव कर रही होती है और होती है, जैसे कि आप ये इसकी एक एग्जांपल ले लें। इसी तरह से लाइव और रिकॉर्डेड ऑडियोज जो होती हैं इंजीनियरिंग जो है उसमें भी माइक्रोफोन्स को यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द 2 टाइप्स ऑफ स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर ही है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड के नाम से आपको ये समझ आ गई होगी, हम जो मेमोरी कार्ड्स यूज़ करते हैं। मेमोरी कार्ड हैड ओनली अ मेमोरी चिप, ये एक मेमोरी चिप रखता है बस। दे अलो ओनली सम प्री डिफाइंड ऑपरेशंस ऑन द कार्ड, इसके ऊपर हम कुछ प्री डिफाइंड ऑपरेशंस कर सकते हैं मेमोरी कार्ड के ऊपर। ठीक है, इसमें हम समझ लें कि एडिट कुछ भी नहीं कर सकते, कॉपी कर सकते हैं उसमें और उसमें से किसी और चीज़ में कॉपी कर सकते हैं बस। माइक्रो प्रोसेसर कार्ड्स अलाउज फॉर अदर एप्लीकेशंस आल्सो ऑन द डिटेल द कार्ड। जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं ये जो हैं ये अलाउ करते हैं बाकी ऑपरेशंस को भी कि वो इस कार्ड के ऊपर किए जा सकें। द माइक्रो प्रोसेसर कार्ड्स हैव मेमोरी चिप एज वेल एज माइक्रो प्रोसेसर कंपोनेंट। इसमें ना सिर्फ मेमोरी चिप्स होती हैं बल्कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर के जो हैं वो कंपोनेंट्स भी मौजूद होते हैं, इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स के काम भी किए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें, आप लोग अपनी डायरी डू होमवर्क ऑफ बोथ वर्कशीट्स
ऑन योर नोटबुक एंड लर्न. आपने अपनी नोटबुक पे इन दोनों वर्कशीट्स का होमवर्क करना है, इन दोनों वर्कशीट्स को आपने लर्न भी करना है. ओके स्टूडेंट्स, हेयर इज़ द मिस्टेक, उसकी मैं आपको करेक्शन करवा देती हूँ. अदर ऑपरेशंस आल्सो ऑन द डेटा इन द कार्ड, इधर डेटा आएगा DATA. अच्छा, डेटा इन द कार्ड ही है, डेटा और इनमें स्पेस नहीं है. ठीक है, यहाँ स्पेस ऐड करेंगे तो ये डेटा इन द कार्ड ठीक हो जाएगा. ओके, ये आंसर है आपका बुक पेज नंबर 7 पे. डायरी आपने नोट डाउन कर ली है, ये दोनों के ऊपर होमवर्क करना है. चैप्टर नंबर 1 की हैं दोनों वर्कशीट्स और इनको आपने लर्न भी करना है. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़.